नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे टिकट को लेकर, क्योंकि रविवार के दिन पूरे बिहार समेत उत्तर प्रदेश, झारखंड के कई ऐसे स्टेशन हैं जहां पे रेलवे का टिकट नहीं कटेगा। हालांकि बिहार में, पूरे बिहार में कहीं भी आपको रेलवे का टिकट नहीं कटेगा। इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण रेलवे ने जो है पूरी तरीके से रोक लगा रखा है। अगर आप रविवार को ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस दिन को लेकर रेलवे की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि 17 जुलाई को बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके के साथ साथ प्रदेश में ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी। बता दें कि इस दिन आपको रिजर्व टिकट को लेकर जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस दिन आपको चालू टिकट भी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इस दिन पार्सल से संबंधित कोई भी काम नहीं होगा। पूर्व मध्य के रेल अधिकारियों की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि शनिवार एवं रविवार के दरमियान रात के 12:30 से अगले दिन 3:30 तक PRS डाटा सेंटर कोलकाता का सिस्टम बंद रहेगा। इसका मतलब हुआ कि 17 जुलाई को पूरा दिन आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। आइए अब जान लेते हैं किस किस इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि PRS कोलकाता के तहत आने वाले जोन में ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे शामिल है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का यह डिवीज़न यूपी और मुगलसराय से भी मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस दिन यूपी के कुछ इलाकों के साथ साथ पूरे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में ट्रेन का टिकट नहीं मिलने वाला है। रविवार को लेकर जारी अपडेट में यह भी बताया गया है कि इस दिन कई तरह के कार्य बंद रहेंगे, जैसे कि इस दिन आपको रेलवे टिकट नहीं मिलने वाला है। आपको बता दें कि यात्री चाहे तो टिकट आप खिड़की से खरीदें या फिर इंटरनेट के माध्यम से, कोई काम नहीं करने वाला है। यह दिन कि इस दिन जो है रविवार का दिन आपको पूरी तरीके से रेलवे जो है एक तरह से टिकट काटने के मामले में ठप रहने वाला है। इसके साथ साथ PRS से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको नहीं मिलने वाली है। कौन सी ट्रेन जो है किस स्थिति में है, इन सब की जानकारी तो आपको मिलेगी, लेकिन आपको जो है टिकट की क्या स्थिति है, कितने वेटिंग है, कन्फर्म है, इसके साथ साथ PRS से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलने वाली है। इतना ही नहीं, अगर आप जनरल टिकट लेते हैं तो इसके में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि यह भी टिकट नहीं मिलने वाला है। यानी कि UTS के माध्यम से जो टिकट मिलता था आपको, जनरल टिकट या फिर काउंटर से जो जनरल का टिकट मिलता था, ये दोनों सुविधाएं जो है पूरी तरीके से इस दिन बंद रहने वाली है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि रविवार को आप रेलवे में किसी भी तरह के पार्सल को बुक नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि रेलवे के रिटायरिंग रूम में जो बुकिंग होती थी, उस बुकिंग पर भी जो है पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रेलवे ने मेंटेनेंस के कार्य के कारण ट्रेनों को कई रूटों में बदलाव किया है। हालांकि इस बार जो है PRS में अपग्रेड के कारण लोगों को रेलवे काउंटर से टिकट नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि रविवार को आप इंटरनेट के माध्यम से भी टिकट नहीं काट सकते हैं। ऐसे में अगर आपको टिकट काटना है तो इसके लिए शनिवार की देर रात से पहले या फिर रविवार के बाद आप टिकट काउंटर या फिर इंटरनेट के माध्यम से टिकट काट सकते हैं। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये खबर जितनी जल्दी आपके पास पहुंचे तो आप जो है, अगर आपको टिकट कटवाना है या फिर टिकट लेना है या फिर रेलवे में यात्रा करना है तो आपको टिकट लेना ही पड़ेगा। ऐसे में रविवार का दिन जनरल और रिजर्वेशन दोनों ही टिकटें नहीं कटेगी, तो आपको जो है अभी टिकट काटने की ज़रूरत है। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।